हेलो एवरीवन, दिस इज मनदीप सिंह शेखावत। और आज अपना जो ये वीडियो है, दिस इज सेकंड वीडियो इन आवर सीरीज सिस्टम डिजाइन कोर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कैशिंग के बारे में। कैशिंग क्या होता है वो हम समझेंगे सबसे पहले, इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों कैशिंग हमें चाहिए वो हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम कुछ टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, कुछ कैशिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, और फाइनली कि कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज होती है टू इम्प्लीमेंट कैशिंग, तो वो हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो यार शुरू करते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यार कैशियर होता क्या है, कैशियर की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सी प्रॉब्लम कैशियर सॉल्व करता है। अगर कैशियर नहीं होता अपने पास तो क्या हो जाता, हमें कौन सी दिक्कतें आती। तो यार कुछ वीडियोस पहले मैंने एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करी थी कि अपने पास एक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन करती क्या है, आप किसी भी लोगों को कस्टमाइज्ड हेलो बोलती है, जैसे हेलो मनदीप। तो अपनी एप्लीकेशन काफ़ी लोग यूज़ करते हैं हेलो बोलने के लिए, सबको हेलो बोलना है और अपनी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है उसके लिए। तो अपनी एप्लीकेशन काम कैसे करती है वो हम एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले अपना यूज़र है, यूज़र क्या करता है, यूज़र अपने सर्वर को क्वेरी करेगा। तो दिस इज़ आर यूज़र, यूज़र अपने सिस्टम को क्वेरी करेगा। तो सिस्टम अपना काफ़ी सारे EC2 मशीन्स हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड अपना सिस्टम है। तो ये एक EC2 मशीन हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। और फाइनली अपना डेटाबेस है जहाँ से हम डिटेल्स लेके आते हैं। तो जिस भी पर्सन को आपको हेलो बोलना है उसकी डिटेल्स हम लेके आएंगे अपने डेटाबेस से। जैसे अपना जो मंदी पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इसको लोग बार बार देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ यार मेरे को मंदीप की पर्सनल डिटेल्स बताओ। कुछ भी तो हम क्या करते हैं, हमारा ये जो यूज़र है वो क्या करेगा, यूज़र बेसिकली करेगा गेट मनदीप। और गेट मनदीप अपने सिस्टम को एक बार क्वेरी जाती है तो हम अपने डेटाबेस के पास जाएंगे और उससे डिटेल्स लेके आएंगे। तो दिस इज़ आर क्वेरी गेट मनदीप, और गेट मनदीप में हम सारी डिटेल्स फेच कर लेंगे। तो जैसे गेट मनदीप मैंने किया तो ये सारी 3 डिटेल्स है जो हर कोई एक्सेस कर रहा है। अब जैसे जैसे अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ट्रैफिक बढ़ती गई हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक दिक्कत तो ये कि यार अपने डेटाबेस पे काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ रहा है, जो अपना DB है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड अपना बढ़ गया है। इस लोड को हमें कम करना पड़ेगा ताकि अपना डेटा में कोई दिक्कत ना आए। दूसरा ये कि यार अपनी एप्लीकेशन के अंदर लेटेंसी काफ़ी बढ़ गई है। जैसे इस यूज़र ने क्वेरी किया तो अपने यूज़र को टाइम ज़्यादा लग रहा है। यूज़र क्या करता है, अपने एप्लीकेशन को क्वेरी भेजता है और फिर हम रिजल्ट लेके आते हैं, फिर यूज़र को दिखाते हैं। तो इस ऑपरेशन के अंदर टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो ये जो टाइम है ये यार ये एक्सपीरियंस ख़राब कर रहा है अपने कस्टमर्स का। तो इस टाइम को बचाने के लिए, अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को रिटेन करने के लिए हम एक और लेयर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे बीच में, जो क्या करेगा, जो मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेरीज है, मनदीप अपना सबसे पॉपुलर पर्सन है यहाँ पे, तो हम वो डिटेल्स पहले ही सारी मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखेंगे। वो जहाँ पे स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं कैशिंग सिस्टम, कैश सिस्टम हम उसको बोलते हैं। तो वो हम बीच में एक लेयर इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उसको हम यूज़ करेंगे टू स्टोर मोस्ट वाइडली यूज्ड इंफॉर्मेशन, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन है, जो काफ़ी लोग एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम रखेंगे यहाँ पे कैश के अंदर। तो अगर मैं आपके सामने कैशिंग के फ़ायदे समराइज़ करूं तो नंबर 1 इज़ आपकी नेटवर्क कॉल बच रही है। जो आप DDB को अपने कॉल कर रहे थे, जिस भी डेटाबेस को आप कॉल कर रहे थे, वो आपकी नेटवर्क कॉल बच गई। नंबर 2 इज़ आपकी कंप्यूटेशंस बच रही है। आपको पहले अपने डेटाबेस के ऊपर क्वेरी करना पड़ रहा था, वो इन्फॉर्मेशन आपने कैशे में मेंटेन कर ली, तो आपकी जो क्वेरी कंप्यूटेशन था वो बच गया। एंड नंबर 3 इज़ आपके डेटाबेस के ऊपर जो एक्स्ट्रा लोड आ रहा था कि सारी की सारी ट्रैफिक आपके डेटाबेस को हिट कर रही थी, वो अभी लोड आपका सेव हो गया है, लोड आपका मेंटेन हो गया है। अब ये हो गई फायदे वाली बातें। अब जब आप फायदे देखते हो तो आपको लगेगा कि यार डेटाबेस में क्यों क्वेरी करनी है, कैशे यूज कर लेते हैं, कैशे में क्या है, अपनी क्वेरीज फास्ट हो रही है, यूजर्स खुश हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, क्यों ना कि हम कैशे यूज कर लें हर जगह, डेटाबेस में हम क्वेरी ही ना करें। पर यार कुछ इश्यूज रहते हैं जो कैशे के साथ भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो जो इश्यूज हैं वो हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो यार एक तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि मेमोरी इज कॉस्टलियर देन हार्ड डिस्क।
अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप amazon.in पे जाके देख सकते हैं। एक रैम सर्च करना और एक हार्ड डिस्क सर्च करना, दोनों की प्राइस में देखना, काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आएगा। तो कैशे जो आपका चलता है वो इन मेमोरी डेटाबेस है तो वो कॉस्टली होगा, जो डेटाबेस आपका चलता है वो हार्ड डिस्क पे डेटा सेव होता है तो वो आपका रिलेटिवली काफ़ी चीप है एज ए कम्पेयर टू कैशे। तो दिस इज़ वन प्रॉब्लम। नंबर टू इज़ डेटा कंसिस्टेंसी। जब आप कैशे यूज़ करते हो तो ऐसा पॉसिबल है कि यार आप स्टेल डेटा एक्सेस कर रहे हो। एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे जो अपना गेट मनदीप था, मनदीप अपना पॉपुलर यूज़र है, तो मनदीप ने अभी डिसाइड किया कि उसको एक इन्फॉर्मेशन और पब्लिक करनी है। पहले उसने 3 इन्फॉर्मेशन दिखा रहा था, अभी उसको एक इन्फॉर्मेशन और पब्लिक करनी है, पर अपने कैशे में तो सिर्फ 3 इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल है। तो उस डेटा को स्टेल ना रहे, हम उस डेटा को अपडेट करते रहें, तो वहाँ पर आपका कैशे के अंदर इन्फॉर्मेशन अपडेट करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि यार आप हर बार कैशे को ही हिट करते जाओ और वहां से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते जाओ। तो डेटा कंसिस्टेंसी के इशू को सॉल्व करने के लिए वी हैव सर्टेन टेक्निक्स जो हम बाद में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम हाइब्रिड सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। हम इन मेमोरी भी यूज़ कर रहे हैं और हार्ड डिस्क वाला सॉल्यूशन भी यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अपनी एंड के ऊपर कॉस्ट भी कम हो रही है, मतलब जितनी लगनी चाहिए उतनी नहीं लग रही, और अपना कस्टमर का एक्सपीरियंस भी ख़राब नहीं हो रहा। दूसरा अपना प्रॉब्लम था स्टेल डेटा, डेटा कंसिस्टेंसी का इशू। तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि जो डेटा अपना पुराना हो गया है उस एंट्री को निकाल दो और उसको अपडेट कर दो नई एंट्री से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा इनवैलिडेशन। अब हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा डेटा निकालना है और किस डेटा को अपडेट करना है? तो इसके यार काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो सिस्टम्स यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर यूज़ केस। एक तो आपका रहता है डिफाइन TTL, TTL इज़ टाइम टू लिव। हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर रिकॉर्ड का टाइम टू लिव डिफाइन कर देते हैं, जिससे कि उस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो डिलीट हो जाए। जैसे अब अभी अपना मनदीप यूज़र था, तो हमने क्या किया, इसका TTL डिफाइन कर दिया 5 मिनट। तो जब एक बार अपना रिकॉर्ड बन गया, जैसे अपना रिकॉर्ड बना 12 बजे, तो 12:05 पे ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अगर यूज़र फिर क्वेरी करता है वहाँ पे उस टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस से वापस अपडेट कर देंगे जो वापस 5 मिनट के लिए चलेगा। तो अभी 12:10 के ऊपर वापस वो डेटा अपडेट होगा। TTL के अलावा आप दूसरा काम क्या कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन जाके वैलिडेट करे कि हाँ यार इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेटेड है या नहीं है। तो आपका एप्लीकेशन क्या करेगा, कैश सिस्टम के अंदर जाके देखेगा या फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करके देखेगा कि यार यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड है या नहीं। अगर अपडेटेड नहीं है तो अपडेट कर दो। अब जब हम डेटा इनवैलिडेशन की बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन हैंडल करेगा कि कोई स्टेल डेटा ना रहे, कोई इनवैलिडेटेड डेटा ना रहे, तो उसके लिए देर आर मल्टीपल टेक्निक्स। उन टेक्निक्स को एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली जो टेक्निक है वो है आपकी रीड थ्रू स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है, जो आपकी मशीन है, जो आपकी एप्लीकेशन है, वो साइमल्टेनियसली डेटा राइट करती है टू कैश एज वेल एज योर डेटाबेस। इसमें क्या होता है, इसमें जो टाइम है वो सिंक्रोनसली काम करता है कि इसके अंदर डेटा राइट होगा, आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर डेटा राइट होगा। और एक बार जब दोनों में डेटा राइट हो जाता है, फिर हमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि हाँ मेरा डेटा राइट हो गया है। ये आपका हेल्प करेगा, आपकी अगर रीड इंटेंसिव एप्लीकेशन है तो आपका काफ़ी अच्छे से काम करेगा ये, पर अगर आपकी राइट इंटेंसिव एप्लीकेशन है तो आपका राइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपके एप्लीकेशन पर लोड बढ़ जाना है काफ़ी ज़्यादा। दूसरी टेक्निक है आपकी राइट थ्रू स्ट्रेटेजी। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये राइट थ्रू स्ट्रेटेजी है, इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम कैशे को बिल्कुल पिक्चर से ही निकाल देते हैं। हम अपना एप्लीकेशन क्या करेगा, डायरेक्ट डेटा राइट करेगा अपने डेटाबेस के अंदर। और कैश कब पिक्चर में आता है, जब आप किसी रीड को इन्वोक करते हो कि किसी ऑपरेशन ने गेट मनदीप किया, तो जब मैं कैश के पास जाऊंगा तो वो चेक करेगा कि हाँ मेरे पास मनदीप की एंट्री है, अगर नहीं है तो वो फिर लेके आएगा। तो वहाँ पे आपका कैश पिक्चर में आएगा, पर जब हम राइट कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली राइट होगा अपने डेटाबेस के अंदर। द थर्ड स्ट्रेटेजी इज राइट बैक स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या है, आपका जो डेटा राइट हो रहा है वो आपका कैश के अंदर राइट होगा और आपका जो एक्नॉलेजमेंट है वो आ जाएगा आपकी एप्लीकेशन के पास। अब
कैश जब रेटर राइट होता है अपने डेटाबेस के अंदर, तो वो एसिंक्रोनसली ऑपरेशन होगा। मतलब ऐसा होगा कि यार आपके कैश ने डेटा राइट कर लिया, फिर आपको वो अपने जो एप्लीकेशन है उसको बोल देगा कि हाँ डेटा राइट हो गया है, और फिर वो अपने टाइम के हिसाब से क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर डेटा अपडेट कर देगा। इसके अंदर एक दिक्कत जो आ सकती है वो ये कि यार इन केस आपका कैश क्रैश हो गया बीच में, तो वहाँ पे आपका डेटा लॉस हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट कैश इनवैलिडेशन। अब यार एक प्रॉब्लम और आती है कि आपने TTL तो डिफाइन कर दिया, तो TTL में क्या आप ऐसा करोगे कि जब तक कोई भी एंट्री एक्सपायर नहीं हो रही, जब तक आप अपने कैशे को पॉपुलेट करते जाओगे कि यार अपना ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, तो आप कितनी एंट्रीज स्टोर करोगे? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैश इविक्शन। तो उसमें क्या होता है कि यार एक आप सर्टेन नंबर रखते हो कि मेरी ये अपर लिमिट है, इससे ज़्यादा मैं डेटा अपने कैश के अंदर स्टोर नहीं करूँगा। मैंने बोल दिया कि मैं अपने कैश के अंदर 100 एंट्रीज रखूँगा, अगर 100 के बाद कोई नई एंट्री आती है तो मैं पहले एक एंट्री रिमूव करूंगा अपने कैश के अंदर और फिर उसके अंदर नई एंट्री ऐड करूंगा। इससे क्या होता है कि यार अपने कैश के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लोड इंक्रीज नहीं हो रहा, ऐसे नहीं है कि यार उसकी भी मेमोरी लिमिटेड है, तो वहाँ पे भी आप ऐसे अनलिमिटेड डेटा स्टोर नहीं कर सकते। तो उसको जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कैश इविक्शन। अब इसकी भी काफ़ी सारी टेक्निक्स होती है कि आप इसको अचीव कैसे कर सकते हो। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो है LRU, लिस्ट रिसेंटली यूज़। ये एल्गोरिथम यार आपने अपने इंटरव्यूज़ प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ी होगी। इसमें क्या रहता है कि आपको जो सबसे कम एक्सेस हो रहा है उसको पहले रिमूव कर दो और फिर वहाँ पर आपकी नई एंट्री एड कर दो। नंबर 2 इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है, जो सबसे पहले आया था उसको आप निकाल दो अपने कैश सिस्टम से। एंड एक और टेक्निक जो होती है वो है LFU, लिस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कौन सा डेटा कितनी बार एक्सेस हुआ, कौन सी पर्टिकुलर एंट्री कितनी बार एक्सेस हुई, और जो एंट्री सबसे कम एक्सेस हुई है उसको हम रिमूव कर देंगे टू एड ए न्यू एंट्री। आई होप दिस वीडियो प्रूव टू बी ऑफ हेल्प इन रिजोल्विंग ऑल योर कैश रिलेटेड कंसेप्ट। आपके कोई भी फीडबैक रहता है, कोई भी सजेशन रहता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।